राजधानी जयपुर में आवारा कुत्तों का आतंक। जी आपको बता दें कि मालवीय नगर में 10 बच्चों को आवारा कुत्तों ने काट लिया है। एक बच्चे की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। तो वहीं सुरक्षा एवं जन कल्याण समिति मालवीय नगर ने नगर निगम में कई बार इसकी शिकायत की है। आवारा और पागल कुत्तों को पकड़ने की शिकायत नगर निगम के कान में नहीं रेंगी कोई भी जू। आपको बता दें कि रोजाना आवारा कुत्ते बच्चों को लगातार काट रहे हैं। निगम की लचर कार्यप्रणाली को लेकर लोगों में इसके बाद आक्रोश बना हुआ है और ये घटना सेक्टर 5 इलाके की बताई जा रही है। मालवीय नगर में आपको बता दें कि 10 बच्चों को काट चुके हैं अब तक आवारा कुत्ते। एक बच्चे की हालत इसमें गंभीर बताई जा रही है। राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता ही जा रहा है। कई बार नगर निगम को इसके लिए अवगत करवा दिया गया है लेकिन नगर निगम ने अब तक भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है और इसी के चलते लोगों में आक्रोश व्याप्त है। आपको बता दें कि ये घटना सेक्टर 5 इलाके की बताई जा रही है जिसमें एक बच्चे की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और अभी तक 10 बच्चों को आवारा कुत्तों ने काट लिया है। मालवीय नगर की यह घटना बताई जा रही है और इसके बाद एक बच्चे की हालत गंभीर बताई जा रही है जो कि सेक्टर 5 इलाके का बताया जा रहा है। सुरक्षा एवं जन कल्याण समिति मालवीय नगर ने कई बार नगर निगम को इसकी शिकायत भी की है लेकिन अभी तक भी नगर निगम ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इससे लोगों में भी अब आक्रोश देखा जा रहा है। नगर निगम ने अब तक भी इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है जबकि कई बार नगर निगम से इसकी शिकायत की जा चुकी है लेकिन रोजाना आवारा कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं और अब इससे नगर निगम की कार्यप्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़े होते दिख रहे हैं। आपको बता दें कि राजधानी में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है और इसी खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए एवन संवाददाता यादवेंद्र शर्मा फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ। जी यादवेंद्र, बताएं कि नगर निगम की एक बड़ी चूक मानी जा रही है क्या? हाँ बिल्कुल लवीना, एक बहुत बड़ा जो सवाल उठ रहा है वो नगर निगम की कार्य प्रणाली को लेकर है क्योंकि पिछले 3 दिनों से यहाँ पर जो आवारा कुत्तों का जो आतंक है जयपुर शहर के अंदर, राजधानी जो कही जाती है उसके अंदर, ये आतंक है जो लगातार बरकरार बना हुआ है। आज सुबह की जो मालवीय नगर की जो घटना है यहाँ पर आज सुबह भी करीब आधा दर्जन जो बच्चे हैं और जो आदमी है उनको यहाँ पर कुत्तों ने उन पर धावा बोल करके उनको काट लिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बीते 2 दिनों से घटनाएं सामने आ रही है, लगातार यहाँ पर जो कॉलोनी के जो वासी हैं वो लगातार नगर निगम में फोन खटखटा रहे हैं। तमाम जो अपने जनप्रतिनिधि हैं उनको भी यहाँ पर वो लोग ज्ञापन दे चुके हैं, बावजूद इसके यहाँ पर किसी भी व्यक्ति के यहाँ पर जनप्रतिनिधि या चाहे कोई प्रशासन का कोई भी अधिकारी उसके यहाँ पर कान में झूठ लग रही है। नतीजा यह है कि जो आतंक है जो आवारा कुत्तों को लगातार यहाँ पर बना हुआ है, करीब 1 दर्जन से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर आवारा कुत्ते ने काट लिया है और लगातार ये जो एक गली से जाकर के दूसरी गली, दूसरी कॉलोनी से जाकर तीसरी कॉलोनी में जाकर एक कुत्ते हैं जो अपना आतंक मचा रहे हैं। लेकिन बावजूद इसके नगर निगम की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। वाकई में बहुत बड़ा सवाल निशान खड़ा हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि लगातार शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने है, इसके अलावा जो आवारा पशु है उनको यहाँ पर पकड़ने वाली जो बात कही जाती है यहाँ पर नगर निगम की ओर से वो कहीं भी देखने को नहीं मिल रही है। जबकि बात करें यहाँ पर एक बच्चा है जिसकी यहाँ पर बहुत ज्यादा हालत है, वो सीरियस बनी हुई है, जिसका SMS में इलाज चल रहा है। जैसे ही कुत्ते ने वहां पर अटैक किया तो उसके आंख पर पूरे चेहरे को यहाँ पर रौंद डाला है जिसके चलते उसकी हालत है वो काफी सीरियस बनी हुई। इसके अलावा मानसरोवर इलाका पड़ता है, वहां पर भी आवारा कुत्तों का आतंक बना हुआ है जहां पर एक बच्ची की जो हालत है वहां पर क्रिटिकल बनी हुई है और उसका एक निजी अस्पताल में यहाँ पर इलाज चल रहा है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो यहाँ पर एक बड़ी चूक है। यहाँ पर 3 दिन से लगातार घटनाएं हो रही है, उसके बावजूद यहाँ पर निगम प्रशासन है वो उनके कान में जू नहीं रह रही है। तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो अपनी कुर्सियों पर बैठ करके महज में यहाँ पर तमाशा देखते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल रवि जी यादवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आपको फिर से बता दें, राजधानी जयपुर में लगातार आवारा कुत्ते बच्चों को काट रहे हैं और इसकी वारदातें बढ़ती जा रही है।